नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है कमर्शियल वर्ल्ड। चलिए आइए हम आज देखते हैं टाटा मोटर्स की LP के 1615.1। चलिए इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल में रिव्यू करते हैं। जैसे कि आप गाड़ी देख रहे हैं, सामने देखिए, यह है टाटा की LP के 1615.1। देखिए इसका बैजिंग देख लीजिए, 161.5K मॉडल का मोनोग्राम है। ये फ्रंट लुक देख लीजिए, ये फ्रंट है, ये सिग्ना कैबिन है। ये देखिए सिग्ना की बैजिंग यहाँ दी गई है क्रोम फिनिश में, BS4 में आती है ये। जैसे इसका बम्पर देख लीजिए, सामने का बम्पर में हेडलाइट दी गई है टाटा मोटर्स की तरफ से, फाइबर की है ऊपर की कवर। और यहाँ पे देखिए क्रोम फिनिश में टाटा की बैजिंग दी गई है। दोस्तों टायर की बात करें तो ये देखिए JK टायर की फिटेड है ये, ऑल स्टील रेडियल। और टायर की साइज की बात करें तो ये देख लीजिए 10.00R20। इंजन देखिए, दोस्तों अगर इसके इंजन की बात करें हम तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो कमिंस मिलता है ISBE 5.9 BS4 की। इसमें कमिंस का ISBE 5.9 BS4 की इंजन मिलती है आपको इसमें। और इसका जो टाइप रहेगा आपका कॉम्प्रेशन इग्निशन टाइप रहेगा, जो कि वाटर कूल डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप में है। और इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 5883 CC की। इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 5883 CC की। और जो इंजन की जो मैक्सिमम इंजन आउटपुट रहेगी वो आपकी दो ऑप्शन में आती है, एक 119 और एक 118 kW एट द रेट 2500 RPM 2500 RPM पे, 118 और 119 kW 2500 RPM पे पावर देती है। और मैक्सिमम टॉर्क देती है 600 Nm 1200 से 1700 RPM पे प्रोड्यूस करती है। दोस्तों उसके बाद अगर आप आते हैं इसका ये मैक्सिमम टॉक तो हो गया एयर फिल्टर में, तो इसका जो एयर फिल्टर है वो है ड्राई टाइप रिमोट माउंटेन। एयर फिल्टर जो इस गाड़ी में आपको मिलेगी वो है ड्राई टाइप रिमोट माउंटेन। उसके बाद इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो प्री एंड फाइन फिल्टरेशन है। ये देखिए इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो है प्री एंड फाइन फिल्टरेशन विथ वाटर सेपरेटर, वाटर को सेपरेट कर देता है इस गाड़ी का जो फिल्टर है। उसके बाद इसका जो हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप है जो कि बॉस की लगाई हुई है CB28। वो इसका जो मॉडल है CB28। कूलेंट जो है आपको वाटर इथेनल ग्लाइकोल मिलेगा, इसका रेशियो रहेगा 50-50, वाटर इथेनल और ग्लाइकोल तो कि दोनों रेशियो रहेगा 50-50 का। दोस्तों तब तो इसका इंजन का, जैसे कि इंजन का मैंने डिटेल्स बता दिया, जो इसमें आपको इंजन मिलता है उसका नाम है, मॉडल है कमिंस की ISBE 5.9 BS4। और उसका जो टाइप रहेगा वो कंप्रेशन इग्निशन टाइप रहेगा, जो कि एक वाटर कूल डायरेक्ट इंजेक्शन है। और इस गाड़ी की जो कैपेसिटी रहेगी वो है 5883 CC की। और इस गाड़ी की जो मैक्सिमम इंजन आउटपुट है वो है 119 and 118 kW एट द रेट 2500 RPM। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलती है, एक 118 kW की और दूसरी जो ऑप्शन आती है वो 119 kW की 2500 RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क इस गाड़ी का जो है वो 600 Nm 600 Nm 1200 से 1700 RPM पे प्रोड्यूस करती है। इसका जो एयर फिल्टर है वो ड्राई टाइप रिमोट माउंटेड है। आज के जो फ्यूल फिल्टर है वो प्री एंड फाइन फिल्टरेशन विद वाटर सेपरेटर, ये वाटर को अलग कर देती है तेल से। और इसका जो हाई प्रेशर पंप है वो बॉस की है, बॉस कंपनी की CB28 इसका मॉडल है। इसका कूलेंट जो आपको मिलेगा वाटर और इथेनल ग्लाइकोल मिलेगा, दोनों 50-50 मिला के रहता है कूलेंट। चलिए बात करते हैं इसे क्लच की, तो क्लच का वही सेम सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच मिलता है इसमें, सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप मिलेगा। अब हम लोग इसकी बात करें गियरबॉक्स की, तो गियरबॉक्स का जो देखिए गियरबॉक्स, इसका जो गियरबॉक्स का जो मॉडल है वो है GB600
इसमें जो नंबर ऑफ गियर्स आपको मिलेंगे 6 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स, 6 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। और गियर का रेशियो जैसे होगा तो आप देख लीजिए, फर्स्ट गियर का जो रेशियो है 7.6, सेकेंड गियर का जो रेशियो है 4.38, थर्ड गियर का रेशियो है 2.65, फोर्थ गियर का रेशियो है 1.60, फिफ्थ गियर का रेशियो है 1.00, सिक्स्थ गियर का रेशियो 0.89 और एक रिवर्स गियर का जो रेशियो रहेगा वो 6.55। अच्छा चलिए अब इसका रियर एक्सल की बात करें तो रियर एक्सल की जो मॉडल है वो है RA109RX। रियर एक्सल की अगर हम बात करें तो रियर एक्सल का जो मॉडल है वो है RA109RX। इसका जो टाइप है वो फुल्ली फ्लोटिंग एक्सल रहेगा और रेशियो रहेगा 5.857 का। और फ्रंट एक्सल की बात करें तो हैवी ड्यूटी फॉक्ड बीम और रिवर्स की रहेगी एलियट टाइप में। पावर स्टीयरिंग जो सबको इसको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलती है इस गाड़ी में। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इस गाड़ी में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलती है। और ब्रेक की बात करें तो सर्विस ब्रेक आपको फुल्ली डुप्लीकेटेड मिलेगा। ब्रेक की अगर हम बात करें इस गाड़ी की तो आपको इस गाड़ी में फुल्ली डुप्लीकेटेड फुल एयर एस कैम ब्रेक मिलेंगी। अगर इस गाड़ी के हम लोग ब्रेक की बात करते हैं तो इस गाड़ी में फुल्ली डुप्लीकेटेड फुल एयर एस कैम ब्रेक मिलेंगे जो कि सर्विस देता है। ब्रेक का जो ड्रम ब्रेक रहेगा, ड्रम ब्रेक, उसका डायमीटर जो है 410 मिलीमीटर रहेगा। और पार्किंग ब्रेक जो है वो हैंड ऑपरेटेड रहेगा। ये देखिए जो कि पार्किंग ब्रेक है हैंड ऑपरेटेड रहेगा। अच्छा ये हो गया ब्रेक की। सस्पेंशन आपको सेमी इलेक्ट्रिकल मिलेगी, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग फ्रंट और रियर में दोनों में वही सस्पेंशन मिलेगी आपको, स्प्रिंग वाली सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग फ्रंट एंड रियर में। और शॉक एब्जॉर्बर में आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप मिलेगी जो कि सिर्फ फ्रंट में रहती है। और फ्रेम में आपको लैडर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम मिलेगी विद बोल्टेड क्रॉस मेंबर, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मेरा एक क्रॉस मेंबर देखिए। और इसका जो ये देखिए चेचिस फ्रेम जो कि लैडर टाइप है, लैडर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम विद बोल्टेड क्रॉस मेंबर्स जो कि इसका फ्रेम है। अब हम लोग उसके बाद करते हैं व्हील्स की। तो इसमें आपको टायर की साइज जो बेस में हमको बताया 10.00 R20 16 PR पे, ये देखिए ये टायर, टायर की साइज देख लीजिए यहाँ पे जेके टायर है ये। अच्छा इसमें आपको टोटल व्हील रिम की जो साइज है आपको 7.50 है और इसमें नंबर ऑफ टायर आपको मिलते हैं 7 जो कि फ्रंट 2 रियर 4 स्पेयर में 1। अच्छा चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल टैंक की। तो दोस्तों ये देखिए इसका, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक, ये देखिए फ्यूल टैंक। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है इसका शेप दो टैंक में, दो ऑप्शन में आता है, एक राउंड आता है एक रेक्टेंगुलर आता है। ये एक फिलहाल अभी रेक्टेंगुलर में है। रेक्टेंगुलर का जो साइज आता है 225 लीटर का कैपेसिटी है इसका, 225। और जो राउंड का आता है उसका है 160 लीटर का कैपेसिटी। ये फिलहाल रेक्टेंगुलर में है, देखिए दोस्तों देख लीजिए। और इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें हम लोग तो इस गाड़ी की जो इंजन की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मैक्सिमम गियर स्पीड टॉप गियर में आपको 90 किलोमीटर मिलेगी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 81 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी या तीसरा ऑप्शन 60 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। इस गाड़ी का तीन ऑप्शन आता है आपको मैक्सिमम स्पीड में जो कि टॉप गियर की बता रहे हैं मैं, 90 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, इस गाड़ी का तीन ऑप्शन है। चेचिस डायमेंशन की बात कर लिया जाए तो चलिए देख लेते हैं इसका चेचिस डायमेंशन क्या किस तरह है। दोस्तों इस गाड़ी का जो चेचिस डायमेंशन है, इस गाड़ी का चेचिस डायमेंशन ट्रैक फ्रंट है वह है 1964 मिलीमीटर और ये है ऑप्शन वन, और ऑप्शन टू में है 1980 मिलीमीटर। ट्रैक रियर में है 1817 मिलीमीटर। दोस्तों ट्रैक फ्रंट में दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, पहला ऑप्शन जो है 1964 मिलीमीटर की और दूसरा ऑप्शन 1980 मिलीमीटर की। और इसका जो ट्रैक रियर रहेगा वो 1817 मिलीमीटर का ही सिर्फ रहेगी। अच्छा इसका जो व्हील बेस है, व्हील बेस आपको भी दो ऑप्शन में मिलती है। पहला व्हील बेस जो पहला ऑप्शन है वो 3580 की और दूसरा जो ऑप्शन है व्हील बेस की वो है 4225 की। फ्रंट ओवर हैंग के इसमें भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको इस गाड़ी पे, 1340 मिलीमीटर की एक है उसके बाद 1380 की दूसरी ऑप्शन है। और ये रियर की ओवरहैंग की बात करें तो ऑप्शन वन का जो आपको मिलेगा 1125 की मिलीमीटर की और ऑप्शन टू की 960 मिलीमीटर की।
दोस्तों ये देख लीजिए साइड से इसका स्पेयर टायर है। दोस्तों ये ओवर हो गया, आप चलिए बात करते हैं इसकी वेट की। तो मैक्सिमम परमिसेबल FAW जो रहेगी इस गाड़ी की 6000 kgs की, मैक्सिमम परमिशन RAW रहेगी 10200 kgs की, और इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो है 16200 kgs, 16200 kg, और इसका RAW जो रहेगा 10200 kg, मैक्सिमम परमिशन FAW जो रहेगा 6000 kgs की इस गाड़ी की। और इसका जो आप बॉडी टाइप देखते हैं सिग्ना स्लीपर कैबिन है, जो कि हम थोड़ी देर में अभी जाएंगे कैबिन के अंदर देखने हैं कैबिन किस तरह है। और इसका जो टिपर बॉडी आप देख लीजिए, ये टिपर बॉडी जो है 10 क्यूबिक बॉक्स टाइप में है, टिपर का जो टाइप है वो है बॉक्स टाइप, और कैपेसिटी जो है 10 क्यूबिक मीटर की है। देखिए दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, अब हम चलते हैं गाड़ी के केबिन के अंदर और देख ले हम। ये देखिए इसका यूरिया टैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BS4 गाड़ी में। दोस्तों पहले चाबी देख ले हम लोग, 1 2 3 4, इसमें चार चाबियां हैं देखिए, दो इग्निशन की और दो आपको इग्निशन की है, दो यूरिया के है, और दो चाबी इसमें आएगी जो कि दो डीजल टैंक कैप की होगी। चलिए दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी के कैबिन के अंदर और देखते हैं कैबिन किस तरह है। जैसे कि हम बाहर से देख रहे हैं इस गाड़ी का कैबिन बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है। चलिए हम चलकर देखते हैं इस गाड़ी का कैबिन, ये देखिए ये है इसका स्टीयरिंग जो कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। इसका क्लस्टर मीटर देखिए, और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग दिया हुआ इसका डैशबोर्ड देखिए, टाटा मोटर्स की सिग्ना कैबिन है ये देखिए। इसका ब्लोअर का ये दिया हुआ है, वेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे हैवी और लाइट का स्विच है जिससे कि आप फ्यूल की बचत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सर्विस के लिए सब दिया गया है देखिए, चेक इंजिन और लाइट वगैरह स्टॉप इंजन सबका दिया गया है, और नीचे में एक लेटर मिलता है आपको। और ये गियर का रेशियो देखिए, सॉरी गियर का पैटर्न है ये, टोटल 1 2 3 4 5 6, और वन रियर है जैसे कि आगे हमने बताया थे, 6 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। गाड़ी थोड़ा सा दोस्तों ये गंदा है क्योंकि हम लोग अभी डेमो गाड़ी का डेमो कर रहे हैं। ये देखिए ये कैबिन जो कि बहुत गंदा है, ये अभी धुलाई में जाएगी। ये रियर का देखिए, इसका जो ग्लास दिया हुआ है, और सीलिंग के ऊपर में एक लाइट मिलेगी आपको जो कि बहुत सुंदर दिख रही है। ये को ड्राइवर का सीट है, और बस यही। दोस्तों अब हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए इसी तरह का वीडियो और भी बनाते रहें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।